हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर ऑफ फिजिक्स, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट टॉपिक मिरर फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स, कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, क्या इमेज डिस्टेंस होता है, आज हम वही सारा सॉल्व करने वाले हैं। तो जो एक्चुअली मिरर फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन हमारे क्लास में नहीं है, उसका डेरिवेशन क्लास 12th में आएगा। मिरर फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है वो क्लास 12th में हमको पढ़ाया जाएगा, लेकिन मिरर फॉर्मूला हम यहाँ पर क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है 1/f = 1/v + 1/u, ये सारा रेसिप्रोकल की फॉर्म में है। अब f का क्या मतलब है? f का मतलब है उस मिरर की फोकल लेंथ, पोल से फोकस तक की दूरी। v का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज, कि इमेज पोल से कितनी दूर पर बन रही है। क्वेश्चन आएगा कि सर मिरर के पीछे भी बन सकती है, मिरर के सामने भी बन सकती है। अगर वर्चुअल इमेज होगी तो पीछे बनेगी और रियल इमेज होगी तो सामने बनेगी, जैसा कि हमने आपको 6 केसेस में दिखाया था कि जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पर बनती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जो मिरर के अंदर बनती है वो वर्चुअल इमेज। तो कैसे पता चलेगा सर कि इमेज तो बन रही है लेकिन कहां बन रही है? उसी के लिए साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। मैं आपको थोड़ा हिंट ये दे रहा हूं कि अब देखिए दो केस है, एक मेरे पास ये मिरर है, देखिए आप देख लीजिए इमेज तो बनी, या तो यहां पर बन गई इमेज, ऑब्जेक्ट ये रखा है, या इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पीछे बन गई, तो ये वाली रियल इमेज होगी रियल, और ये वाली वर्चुअल होगी। मान लो दोनों ही पोल से 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो आप क्या सोचेंगे, क्या आप ये पूछेंगे कि सर ये हमारा जो वी आएगा निकल के इस फॉर्मूला से, क्या ये भी बताएगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, मतलब मिरर के पीछे बन रही है कि आगे बन रही है? तो उसके लिए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन असाइन किया गया है, मतलब इसके साइन से पता चल जाएगा वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वैल्यू से पता चल जाएगा कि इमेज पीछे बन रही है यानी कि वर्चुअल है, या सामने बन रही है यानी कि रियल है। तो उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन हमने असाइन किए हैं, हमने मतलब फिजिक्स में असाइन किए गए हैं, वो मैं आपको बहुत इजीली समझा दूंगा, जिसमें होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन किस चीज को पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। दूसरा रहता है यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट को तो हमेशा मिरर के सामने रखते ही है, तो उसका एक केस उसका साइन एक ही रहेगा, या वो पॉजिटिव रहे या वो नेगेटिव रहे, अभी बताऊंगा नहीं, आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल मिरर फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी से डिनोट करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज या इमेज डिस्टेंस को, और यू से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन है क्या, जब कोई इमेज बनती है तो वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की भी हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है और उससे छोटी हो सकती है। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम ये कहें साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज से मतलब हाइट से ही होता है, तो इसका जो रेशियो होता है उसी को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं और एम से डिनोट करते हैं। मींस लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज को या तो आप ऐसे डिनोट कर लें एच, और यहां पे सफिक्स में इसके या सबस्क्रिप्ट में आई बना दें, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के सबस्क्रिप्ट जो सबस्क्रिप्ट है उसमें ओ बना दें, एच आई अपॉन एच ओ, या जनरली हम ऐसा करते हैं कि एच पे डैश लगा देते हैं, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, और इस एच को सिंपली लिख देते हैं दिस मींस दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आई बात? तो इमेज की हाइट को ऊपर रखना है। अच्छा, अब इसका इन द टर्म्स ऑफ वी एंड यू, अगर हम वी और यू के टर्म्स में लें तो इट इज द नेगेटिव रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन के आपके पास दो फॉर्मूले हो गए यहां पर, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी, यानी कि नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस बात को आपको याद रखना। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द साइज एज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये दो बातें हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम यहां की बात कर रहे हैं तो सपोज कर लीजिए क्या होगा, जब पहला केस जब एच डैश एच से बड़ा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो जो एम की वैल्यू आएगी वो वन से बड़ी आएगी। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर वन से बड़ा आता है। तो ये वाला केस हो गया जो मैंने टेबल बनाई है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन से बड़ी आती है तो इससे आप क्या समझेंगे, इससे आप ये समझेंगे जो इमेज है दैट इज ग्रेटर या इनलार्ज देन द ऑब्जेक्ट। अब सपोज कर लीजिए क्या होगा, जब एच आई छोटा होगा और एच ओ बड़ा होगा, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो हो गया छोटा और जो डिनोमिनेटर है वो हो गया बड़ा, तो इसका आंसर हमेशा वन से छोटा आएगा, ये वाला केस हो गया।
तो अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो आप इससे क्या समझे, आप इससे बच्चों ये समझेंगे कि द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और डिमिनिश्ड, इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है। अब सपोज कर लीजिए तीसरा केस hi बराबर अगर ho हो गया तो hi अपॉन ho की जो यानी कि जिसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। अभी मैं इनके साइन को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, रियल वर्चुअल नहीं पता लगेगा अभी इससे, तो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है अगर किसी मिरर के मैग्निफिकेशन 1 रहता है तो इसका मतलब है वो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट इमेज बना रहा है। यहीं पे एक सवाल बन जाता है कि कौन सा ऐसा मिरर है, कौन सा ऐसा मिरर है जिसके लिए m की वैल्यू ऑलवेज, ऑलवेज की बात कर रहा हूं, हमेशा 1 रहेगी। बताइए आंसर जल्दी से मन में सोचिए, ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं जाएगा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। और जिस बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सपोज कर लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप कहेंगे ऐसा तो सर ने कुछ पढ़ाया नहीं, तो ऐसा नहीं होता है बच्चे। जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन बदल सकता है लेकिन उससे बाहर नहीं जाएगा, आपको अपना एनालिसिस करके आंसर निकालना पड़ेगा। वरना ऐसा थोड़ी कि आप क्या करेंगे फिर, आप तो अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं। तो ऐसा कौन सा मिरर है जिसका लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है, इसका मतलब ढूंढना, मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर रहता है। तो वो मिरर आप जानते हैं, प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है, प्रोड्यूस द इमेज विच इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने आपको पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर में, याद करो कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होती है, साइज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, एट द सेम डिस्टेंस होती है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। तो उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे अब लीनियर मैग्निफिकेशन को कंबाइन करके सवाल बना दिया, हालांकि सवाल मैंने खुद बनाया है, बट आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन प्रोड्यूस होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा सोचना है बस। तो याद रखिए, अब मैं आपसे पूछूं कौन सा ऐसा मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन ऑलवेज ऑलवेज लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 यानी कि वो मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। बताया था मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए इसको रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। तो ये दो सवाल यहां से बन सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन से कि कौन सा मिरर है ऐसा जिसका मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है और जिसका मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम होता है। कॉनकेव क्या करता है, कॉनकेव मिरर आपने केस देख लिए थे, वो डिमिनिश्ड इमेज भी बना रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है तो इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी इमेज बनाता है और इनलार्ज इमेज भी बनाता है। तो कॉनकेव का मैग्निफिकेशन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, बिकॉज उसके 6 केस आपको मैंने पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से। तो ये था बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट। अब मैं साइन कन्वेंशन बता दूं किस चीज को पॉजिटिव लेना है किस चीज को निगेटिव लेना है। अब देखो अगर मैं आपको ये बताने लगा किस चीज को पॉजिटिव किस चीज को निगेटिव, बात सुनना ध्यान से, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप कभी कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, आप भूल जाएंगे पॉजिटिव निगेटिव। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तो यू है, एक वी है, एक फोकल लेंथ है। अब यू भी किसके इसके लिए है, रियल के लिए, वर्चुअल, चलो यू तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमेशा नेगेटिव रहेगी, क्यों रहेगी। अब वी के लिए हमेशा आ गए रियल और वर्चुअल, तो दो साइन इसके हो गए। फोकल लेंथ के लिए कॉनकेव की अलग है, कॉनवेक्स की अलग है, एक की पॉजिटिव लेते हैं एक की नेगेटिव लेते हैं, दो साइन ये हो गए। उसके बाद एम की वैल्यू, एम की वैल्यू पॉजिटिव आई तो क्या मतलब है, नेगेटिव आई तो क्या मतलब है। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, दो साइन इसके हो जाएंगे। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं, दो साइन इसके हो जाएंगे। मैं बात बता रहा हूं, दो दो चार और दो छह, सात आठ नौ दस और एक साइन इसके, 11 साइन आपको याद करने पड़ेंगे, 11 साइन यानी कि 11 वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। मैं तो कह रहा हूं कि इंपॉसिबल है, भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसा रूल पढ़ा दूं जिसमें एक भी वैल्यू याद ना करनी पड़े, एक भी वैल्यू। उसी के लिए तो बनाया है न्यू साइन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जिसको ना कोई समझता है ना समझाना चाहते हैं। ये देख रहा है आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, हालांकि मैंने वो साइन कन्वेंशन भी लिख दिए हैं, आगे टेबल बना दिया आपके लिए, बहुत आसान काम कर दिया है, बट आप पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा और मिरर के सामने रखा जाएगा। अगर वो कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो ऐसा हो गया, ऐसे एज्यूम कर लीजिए, इधर पॉलिश है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी ये वाली हो गई, ऑब्जेक्ट अभी भी यहां रखा जाएगा ए बी, ये उसका पोल हो गया।
ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, ये रूल है, वरना इमेज ही नहीं बनेगी। अब याद रखिए, जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करोगे, ये आपको दिख रहा है, मैं रेड से इसको रिपीट कर रहा हूं, जो भी डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन पॉजिटिव, जितनी भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होंगी वो पॉजिटिव होंगी। अब ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हो आप, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी लोगे, ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाना पड़ेगा, पॉजिटिव होगा, याद ही नहीं करना पड़ेगा। और जो हाइट नीचे की तरफ मेजर करेंगे आप, यानी कोई चीज अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है तो वो नेगेटिव। अब देखो यहां से, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। रियल इमेज की बात कर रहा हूं, ध्यान देना कैसे साइन याद होंगे, और वर्चुअल इमेज हमेशा ऊपर बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अभी मैं हाइट की बात कर रहा हूं, इमेज हाइट की, तो रियल इमेज ये हो गई, वर्चुअल इमेज ये हो गई, जानते ही आप वर्चुअल। अभी क्या बताया था, अभी बताया था प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाओगे तो नेगेटिव, यानी कि रियल इमेज की जो हाइट आएगी वो नेगेटिव आ गई, लो एच आई नेगेटिव हो गया, और जो एच आई पॉजिटिव तब हो गया जब इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल हो गई, अपने आप ही साइन याद हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं हमेशा। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, और रूल ये कहता है कि जो हाइट इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ली जाएगी वो नेगेटिव होगी, जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ली जाएगी वो पॉजिटिव होगी। मैं तो सिर्फ इतना याद करूंगा, फिर मैं देख लूंगा इमेज मेरी कहां बनती है, वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है तो उसकी हाइट पॉजिटिव हो गई, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है। मैंने बहुत सारे केस आपको दिखाए थे, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं एक आध केस आपको, ये देखिए ये वर्चुअल इमेज है, ये रही इसकी, जब कॉनकेव मिरर एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, तो वर्चुअल इमेज देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है, यानी कि जो उसकी हाइट ऑफ इमेज आएगी, हाइट ऑफ इमेज एच आई, वो पॉजिटिव रहेगी। और अगर यही केस ये वाला होता, देखिए तो यहाँ पे जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, मिरर के फ्रंट में बन रही है, क्योंकि इमेज है रियल इमेज, तो रियल इमेज की जो हाइट होगी एच आई वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आप इसको याद करो कि एच आई पॉजिटिव रहेगा वर्चुअल इमेज के केस में, नेगेटिव रहेगा रियल इमेज के केस में, मत करो याद, सिर्फ साइन कन्वेंशन पढ़ो, बात खत्म हो गई, तो एच आई का गेम हो गया। लेकिन मैंने आगे टेबल बना दिए, आगे टेबल इसीलिए बना दिए ताकि वो साइन आपको याद रहे, लेकिन सारे साइन याद रखना यहीं से डिसाइड हुए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करा जाएगा वो पॉजिटिव, जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करा जाएगा नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज प्लेस्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी बात ये कह रहे हैं, अगर आपको कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी है, इधर मान लो कोई चीज यहां पे बनी इमेज है, तो इस डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, यानी कि आपको स्टार्टिंग पोल से करनी है। आपको सर इधर से इधर नाप ले रहे हैं, बात तो वही है ना, पोल से इधर की तरफ जाना है वरना साइन कन्वेंशन नहीं बन पाएंगे, समझे मेरी बात को। देखो मैं फिर से बताता हूँ, सपोज कर लो यहां पर कोई इमेज बनी रियल में, नीचे बनेगी, तो कहो सर हमें डिस्टेंस ही तो नापनी है तो इधर से इधर की तरफ चले जा रहे हैं, नहीं, ऑल द डिस्टेंसेज विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल्स, पोल से इधर की तरफ जाना पड़ेगा, डिस्टेंस वही है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज है ना, इसी डायरेक्शन पे हमारा साइन डिपेंड करेगा। ये आप कोई पढ़ाया नहीं है, मान लो यहां बनी वर्चुअल इमेज तो आपको पोल से इधर की तरफ जाना है, अब डायरेक्शन उल्टी हो गई कि नहीं होगी, इसी के बेस पे उसको पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन किया जाएगा। चलिए देखते हैं, तो इतनी बात याद रखिए, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना है, और तो उसकी हाइट हो जाएगी कैसी, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। रियल इमेज नीचे बनती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रियल इमेज की जो इमेज हाइट हो गई वो नेगेटिव हो गई, वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है तो उसकी हाइट पॉजिटिव हो गई, बात इतनी हुई खत्म, सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करी जाएंगी। अब दूसरी, ऑल द डिस्टेंसेज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, ध्यान दीजिएगा, ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी टेकन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन यहाँ पे नहीं बना हुआ, नेगेटिव का तो बना हुआ है, पॉजिटिव का नहीं बना हुआ है, तो इसके आगे छोटा सा पॉजिटिव लिख लीजिएगा, और इसको इस डायग्राम को बना लीजिए नोटबुक में अपनी, तभी काम बनेगा। जितनी भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करी जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी। इंसिडेंट रे किधर से आती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स भी ले लो ना साथ में, इंसिडेंट रे तो हमेशा इधर से ही आती है, ऐसे ही तो जाती है इंसिडेंट रे, इधर से आती है। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आप रखते हैं भाई साहब यहां पर सामने, और डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, पोल से, तो मुझे ये बताओ पोल से अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करनी है तो उल्टा आना पड़ेगा, यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना पड़ेगा, ध्यान देना इस बात पर।
अगर आपने ये समझ लिया तो आपको साइन एक याद करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था 12 साइन है, 12 11। और जो रे, जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाली डिस्टेंस नेगेटिव, ऐसे करो बात खत्म। यानी कि मिरर के पीछे वाली, यानी कि पोल से मिरर के पीछे जाओगे पॉजिटिव लेना है, इधर को आओगे तो नेगेटिव लेना है, सामने को जाओगे। रीजन, जिधर से इंसिडेंट रे आ रही है तो इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो पोल से इधर की तरफ जब आप जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है। देखो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट उसके अपोजिट जाओगे तो नेगेटिव लेना है। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कहां रखते हो हमेशा? ऑब्जेक्ट सर रखते हैं यहां पर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो पोल से इधर की तरफ जाओगे तो किधर हुआ, इंसिडेंट रे के अपोजिट हुआ कि डायरेक्शन में हुआ? सर इंसिडेंट रे के अपोजिट हुआ, इंसिडेंट रे तो इधर से आ रही है। इस वजह से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो तुम्हारे सर ने लिख रखा है, तो मैंने साइन बना दिए, चिंता मत करो। लेकिन ये साइन मैंने भी इसी को समझ कर बनाए हैं, मैंने रटे नहीं हैं। आप भी रटने की कोशिश मत करना, बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे। ये बात है समझने वाली। तो इंसिडेंट रे आ रही है इधर से, बात को समझना, और ऑब्जेक्ट रखा है इस साइड, पोल से इधर। मैंने कहा था पोल से स्टार्ट करेंगे हमेशा इधर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू जहां भी आ जाए उसको हमेशा ही कैसा लेना, नेगेटिव लेना। अब बताओ रियल इमेज बनती है इसी साइड में, रियल इमेज भी इधर ही बनती है, तो रियल इमेज की जो वी आओ, वी हो गया वी, वी फॉर रियल इमेज, वो रहेगा नेगेटिव। वर्चुअल इमेज कहां बनती है? सर मिरर के पीछे, यहां बनती है। तब हम पोल से इधर आएंगे तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हो गया, तो वर्चुअल इमेज के लिए जो वी रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बात खत्म हो गई, बताइए क्लियर हो गई सारी बात? अब चलो जल्दी से आगे साइन पढ़ते। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, रियल इमेज कहां बनती है? रियल इमेज बनती है इस साइड हमेशा, मिरर के फ्रंट में, नेगेटिव हो गया। तो वर्चुअल इमेज कहां बनती है? इमेज डिस्टेंस वर्चुअल इमेज इस साइड कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। बात खत्म हो गई। और यही इमेज डिस्टेंस कह लो या इमेज हाइट कह लो, ये साथ में इसी में इंक्लूड कर लेना, लिखा था मैंने पता नहीं क्या हुआ। इमेज डिस्टेंस कह लो या इमेज हाइट कह लो, इमेज हाइट इन्वर्टेड होती है तो वो भी नेगेटिव रहेगी, क्योंकि वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है और इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव होता है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर भी पॉजिटिव होता है। तो इमेज डिस्टेंस कह लो और इसी के साथ में जोड़ लो इमेज हाइट, दोनों ही वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है और मिरर के पीछे बनती है, इस साइड यहां बनती है। पोल से इधर की तरफ जाएंगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हो गया, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया जाता है। अब मजा आएगा इसे समझने में। और फोकल लेंथ, अब देखो फोकल के लिए, फोकल लेंथ के लिए बहुत मजे की बात है। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में ये दो पैरेलल रेज आई, इसका फोकस मैंने बताया था, फोकस ये ऐसे डाइवर्ज हो जाती है वैसे तो, लेकिन अगर आप इनको आगे प्रोड्यूस करें तो ये आगे एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देती है, तो यही फोकस होता है यहां पर। ये पोल हो गया। कॉनकेव मिरर का फोकस कहां पर होता है? कॉनकेव मिरर छोटा सा बना रहा हूं यहां पर, कॉनकेव मिरर का फोकस होता है इधर सामने, तो ये पोल से इधर की तरफ आ रहा है और ये पोल से इधर की तरफ जा रहा है। कॉनकेव मिरर का फोकस इंसिडेंट रे के अगेंस्ट है, इसलिए कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव लिया जाएगा। अब बात को समझ रहे हो, रीजन है इसका, रटना नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस है, वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, यानी कि बिहाइंड द मिरर है वो फोकस, इस डायरेक्शन में है देख लो, और इधर ही इंसिडेंट रे जा रही है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रखो। जहां भी आ जाए न्यूमेरिकल में आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, तुरंत 10 दे रखियो, -10 लिखो उसको, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा हो हमेशा पॉजिटिव लिखो उसको। इतनी बात अब समझ में आ रही है? तो ये साइन याद नहीं करने, मैंने बना दिया टेबल, वो साइन मैंने हमेशा इससे लिखे हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है भाई। अब साइन ऑफ एम, एम के भी साइन की बात करेंगे, तो बताओ एम का फॉर्मूला क्या होता है? एम का फॉर्मूला होता है सर एच आई अपॉन एच ओ। बात कर रहे हैं रियल इमेज की, तो रियल इमेज में होता क्या बताओ? रियल इमेज में जो एच आई आता है वो कैसा लेते थे हम बच्चों? नेगेटिव। रियल इमेज की हाइट नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा साइन हो जाएगा? जल्दी बोलो, नेगेटिव हो जाएगा। रियल इमेज के लिए एम का साइन नेगेटिव हो जाएगा, देख लो क्या लिखा हुआ है। तो ये रटना नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है भाई, ऐसे थोड़ी हो जाएगा काम। वर्चुअल इमेज एच आई भी पॉजिटिव, एच ओ भी पॉजिटिव, तो इसलिए वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव, ये देखो लिखा हुआ, मैंने फिर भी मेंशन कर दिया है। अब सपोज कर लो एम के लिए किसी का आया, एम के लिए +3 आया,
प्लस का क्या मतलब है कि भैया इमेज वर्चुअल है। थ्री का मतलब क्या है, तीन गुना मैग्निफाइड है। मैंने बताया एम की वैल्यू वन आ रही है तो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से तीन गुना ज्यादा है। अगर इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो 2 सेंटीमीटर रही हो तो इमेज की हाइट 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इमेज कैसी होगी, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल होगी। प्लस तीन है, प्लस तीन। अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एनसीईआरटी के मैंने सारे न्यूमेरिकल ले लिए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी पूरी कंप्लीट। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब ये चैप्टर हमारा ऑफिशियली कंप्लीट हो गया बिल्कुल सही तरीके से। उस टाइम मैंने थ्योरी डायग्राम केसेस यूजेस पढ़ाए थे आपको, अब ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है फॉर्मूला वाला। बट न्यूमेरिकल में अभी भी आप फंस सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर, मिरर मेंशन नहीं है कि फोका कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। अगर मिरर का नाम आ जाए तब पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे। तो हम जानते हैं फोकल लेंथ बराबर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, 20/2 10 सेंटीमीटर हो गई उसकी फोकल लेंथ। आगे कह रहे हैं नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट इमेज, लेकिन इरेक्ट तो देखो वही सवाल आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इरेक्ट जहां भी इरेक्ट लिखा होगा तो तुरंत समझ जाना इरेक्ट इमेज हमेशा होती है वर्चुअल इमेज। देख लेना कैसे कर रहा हूं, अब वर्चुअल इमेज तो है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है। मैंने कहा था अगर इमेज वर्चुअल हो जाए, अब आप याद करिए मैंने ये डिस्कस किया है कि नहीं किया है, अगर इमेज वर्चुअल हो जाए और इनलार्ज भी हो जाए तो वो सिर्फ कॉनकेव ही कर सकता है एक केस में, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां है, ये केस देने के बाद ऑब्जेक्ट रखा होता है पोल और फोकस के बीच में, जो 6 केस है वो आपको याद करने ही करने हैं। तो जब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है और इनलार्ज है तो ऑब्वियसली बात है ऐसा सिर्फ कॉनकेव मिरर ही कर सकता है। चलिए आगे, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, आ गया कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ बनाइए। तो कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है हम जानते हैं, तो एफ बराबर हो जाएगा 32, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है, पोल से इधर की तरफ लोकेटेड होता है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, आंसर हो जाएगा। अब साइन लगा देना ठीक है, प्लस माइनस दिखाओ, 16 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मजा आएगा। अब कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, बहुत मजा आ गया भाई। एम की वैल्यू हो गई 3, अब पता नहीं है भैया कि इमेज रियल है कि इन्वर्टेड है, ये पता ही नहीं चल रहा। अब कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, देखो दे दिया भैया रियल इमेज है, देख दिया मैंने, देखा नहीं था। तो एम की वैल्यू 3 तो मानूंगा, लेकिन रियल के लिए माइनस, अभी मैंने बताया था एम का साइन रियल इमेज के लिए नेगेटिव रहता है, बताई थी बात अभी। तो अब आप समझ लीजिए साइन कितने इंपॉर्टेंट है, साइन के बिना आप क्वेश्चन नहीं ला पाएंगे, तो उस चीज को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरा क्या दे रखा है, प्लेस दैट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ये जो ऑब्जेक्ट है रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रियल इमेज किसी ऑब्जेक्ट की जो 10 सेंटीमीटर पे उसके सामने रखा गया, यानी कि यू बराबर 10 सेंटीमीटर, और यू इज ऑलवेज नेगेटिव, बिना साइन कन्वेंशन के सोचिएगा। भी एम दे रखा है, यू दे रखा है, वी चाहिए, कोई फॉर्मूला है एम यू वी का, पढ़ाया था दूसरा फॉर्मूला एम बराबर माइनस वी अपॉन यू, वी और यू की फॉर्म में भी एम पढ़ाया था और एच आई एच ओ की भी फॉर्म में। तो एम की वैल्यू हो गई -3, यू की वैल्यू हो गई -10, वी को तो ऐसे छोड़ दी, यू की वैल्यू हो गई -10, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, वी की वैल्यू हो गई -10/3, माइनस का 30। अब बताओ माइनस का 30 क्यों आ रहा है, क्योंकि इमेज उन्होंने पहले बोल दिया था रियल इमेज, और रियल इमेज के लिए वी हमेशा नेगेटिव रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया जो उसकी इमेज है वो 30 सेंटीमीटर बन रही है, बताओ पीछे बन रही है कि फ्रंट में बन रही है, फ्रंट में बन रही है, क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब इंसिडेंट रे के अगेंस्ट, यानी कि अगर मिरर ऐसा रहा होगा, कॉनकेव मिरर है तो इमेज इधर बन रही है, समझ आई बात, ये है गेम, असली गेम। आगे चलो, द इमेज फॉर्म बाई अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, देख लेना कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, एक ही केस में बनाता है जब फोकस और पोल के बीच में रखे होता है बॉडी। कह रहे हैं कहां पे उसकी पोजीशन होगी, देखो ये पूछा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी सी गलत गलत गलत, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, ये डी वाला है, डी वाला, अरे आंसर भी लिख दिया है मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो डी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस देन द इमेज विल बी इनलार्ज एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ये 6 केसेस में आप देख रहे हैं ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दे देंगे, इमेज की पोजीशन पूछेंगे।
इसलिए वो 6 के जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लो बच्चों उसको। नेक्स्ट पे चलते हैं, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप मिरर से कितने दूरी पे हो, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी। तो भैया कॉनकेव तो है नहीं है, क्योंकि कॉनकेव तो रियल भी बनाता है। प्लेन की बात करें, प्लेन है, प्लेन हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स है क्या ये, कॉन्वेक्स भी हमेशा वर्चुअल बनाता है, क्योंकि इन्होंने इमेज के साइज की बात नहीं करी है। तो दो आंसर होगा, प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखो ऑप्शन नंबर डी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, पढ़ के चलोगे समझ के चलोगे सेकंड में होंगे क्वेश्चन, सेकंड में। आगे चलो, अब आएगा मजा, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज बनाना चाहते हैं, वो भी कॉनकेव मिरर से। मैं तो कह रहा हूं छोड़ दो सवाल, हो गया। कॉनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज तभी बनती है जब वो पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, फोकस दे रखा है 15 सेंटीमीटर। कह रहे हैं वेयर शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट को किस रेंज में रखा जाए, तो ऑब्जेक्ट को 0 से 15 की रेंज में रख दो। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां से यहां तक कहीं भी रख दो, वर्चुअल इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, इसलिए मैंने कहा था वो 6 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, अरे इरेक्ट है तो वर्चुअल ही होगा, क्या इमेज लार्जर होगी स्मॉलर होगी, हम जानते हैं इस केस में कैसी इमेज बनती है, लार्जर ही बनती है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू द, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, कौन सा वाला डायग्राम बनाओगे, वाला डायग्राम बना दो, 6 केस पढ़ाए ना, तो ये वाला केस बना दो जब फोकस और पोल के बीच में रखा होता है। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ले ली, एक इसकी को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई, एक पोल पे जितना एंगल बनाते हुए जाएगी उतना एंगल बनाते हुए वापस आएगी। ये मैं आपको रूल पढ़ा चुका हूं, ये इधर तो डाइवर्ज हो रही है, मिलेंगे ही नहीं, लेकिन अगर हम इनको प्रोड्यूस करेंगे तो मिरर के पीछे जाके मिल जाएंगी, तो ये इमेज हो गई। हो गया सारा काम, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, अगर आप सही से समझ रहे हैं तब। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, फॉलोइंग सिचुएशन में हम कौन कौन से मिरर यूज करते हैं। हेडलाइट ऑफ कार, कार की हेडलाइट, मैंने बताया था हेडलाइट में एज अ रिफ्लेक्टर हमेशा कॉनकेव मिरर यूज किया जाएगा लाइट को फोकस करने के लिए। साइड व्यू रियर व्यू मिरर में पड़ा हुआ है आपका कॉन्वेक्स मिरर। सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो सब एक हीट को इकट्ठा कर देगा फोकस पे जब सारी रेस पैरेलल आएंगी, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। हो गया, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 9, मजा आएगा। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ, लेंथ मतलब हाइट, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई 5 सेंटीमीटर, मैं तो डाटा लिखता हूं जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई 20 सेंटीमीटर जो कि हमेशा ही नेगेटिव होती है। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ उसका लिया जाएगा पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया है, 30 को 2 से डिवाइड कर लो, आ गया 15 सेंटीमीटर प्लस का। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज, बहुत आराम से करेंगे। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v बराबर +1/u, यही तो होता है मिरर फॉर्मूला, बस हो गया काम। f की वैल्यू 1/15 प्लस का, 1/v मालूम नहीं, प्लस होता है, फिर 1/u होता है, u की वैल्यू -20, -20 इधर प्लस में आ जाएगी, 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/v। तो 15 और 20 का जो LCM होगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। हाँ ठीक है, तो ये बन जाएगा 7/60। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर देंगे ना, ये 1/v की वैल्यू 60/7, अब कैंसिल कर लीजिए, 7/8 = 56, 4 होल नंबर बाई 7 जो भी आंसर आए सेंटीमीटर, यानी कि 8.5 अगर हम कुछ आंसर इसका डेसिमल में निकालें तो 7/5 = 35, फिर 5 बचे 0 बढ़ाए 7, 8.57 सेंटीमीटर लगभग लगभग प्लस में आ रहा है, यानी कि इमेज कैसी है जल्दी बताओ। और ओवर, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, मिरर कॉन्वेक्स है, मैं तो आगे का देखूंगा ही नहीं, बताओ कैसे नहीं देखूंगा, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और साइज में डिमिनिश्ड बनाएगा, लेकिन उसने साइज पूछा है क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, तो बताएंगे अभी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। तो 60/7 आई थी वी की वैल्यू, इसको हटा देता हूं, 60/7 याद रखिएगा, हम जानते हैं m बराबर होता है HI/HO - V/U, समझ आई बात, HI हमारे पास है नहीं, HO हमारे पास 5 है,
माइनस बी की वैल्यू आई थी 60/7 और यू की वैल्यू थी माइनस का 20, समझे? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 23 60 हो गया। एच आई बराबर 5 3 15/7 दैट इज जो भी हो जाएगा 7 2 14 1/7। देखो तो इमेज का साइज आ रहा है 2 होल नंबर 1/7 यानी कि 2.1 समथिंग 2.1 और 4 सेंटीमीटर। डिमिनिश्ड है क्या नहीं है जल्दी बताओ, डिमिनिश्ड है या नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज था 5 सेंटीमीटर और इसका आ रहा 2.14 सेंटीमीटर क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश बनाएगा। और आपसे नेचर पूछ रहा था तो नेचर मैंने अभी आपको बताया था क्योंकि वी की वैल्यू पॉजिटिव आई थी तो उसके साइन से बात करें तब भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो गई, और मिरर देख के बात कर लें तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, यानी कि सारे केस बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। ये सारे केस सही इसलिए हो रहे हैं कि आप साइन कन्वेंशन सही सही ले रहे हैं, अगर साइन आपने एक भी गलत कर दिया न्यूमेरिकल नहीं होने वाला, इस बात को याद रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज प्लेस्ड एज 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, रखा गया है 27 सेंटीमीटर यानी कि यू इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं 18 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मजे की बात, ये नहीं कहेंगे कि इमेज कहां बनी, कहेंगे स्क्रीन कहां पर लगाएं जिसपे शार्प इमेज बन जाए। मुझे ये बताओ स्क्रीन पे बनाना क्या है इमेज, रियल इमेज स्क्रीन। देखो और एक बात और बताओ, जहां भी स्क्रीन आ जाए ना वर्ड, वहां पे इमेज का नेचर अपने आप मान लेना रियल। एक ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं क्योंकि स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो रियल, मिरर के अंदर घुस के तो स्क्रीन लगाओगे नहीं, मिरर यहां पे रखा होगा, मिरर के सामने ही स्क्रीन लगाओगे ताकि इस पे इमेज बन जाए। तो ये है पोल, पोल के अगेंस्ट जाओगे तो स्क्रीन पे हमेशा कैसी मिरर जो इमेज होगी रियल होगी, याद रखना बेटा ये बात। स्क्रीन का जहां भी वर्ड आ जाए इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। और स्क्रीन पूछ रहे हैं लगाएं कहां, तो वो पूछ रहे हैं इमेज डिस्टेंस, क्योंकि भाई स्क्रीन पे जब इमेज बनेगी तो इमेज डिस्टेंस ही तो हुआ। अच्छा सारा इरेज हो गया। एच ओ बराबर था 7 सेंटीमीटर, यू बराबर था -27 सेंटीमीटर, एफ बराबर था -18 सेंटीमीटर, वी हमसे पूछ रहा है और साइज और नेचर भी पूछ रहा है, एच आई भी पूछ रहा है और नेचर भी पूछ रहा है। नेचर तो मैं पहले ही डिफाइन कर दे रहा हूं, पहले ही रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। देखो ये छोटी छोटी बातें, बात को समझो, स्क्रीन पे इमेज बनेगी रियल होगी तो नेचर तो बेवकूफी वाली बात है, जो बच्चा सोचे नेचर क्या होगा। फिलहाल फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जो इससे भी चाहो वैसे लिख लो। एफ की वैल्यू 1/-18, यू की वैल्यू 1/-27 प्लस 1/v, 27 उधर जाएगा प्लस में 1/27, आंसर आएगा 1/v। 27 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 54, 18 थ्री जा होता है -3, 27 टू जा होता है 1/v, ये आएगा माइनस का 1/54 तो v की वैल्यू आ जाएगी -54। स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर सो दैट द रियल इमेज कैन बी फोकस्ड ऑन दैट स्क्रीन, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस आ रही है -54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस बता रहा है, माइनस बता रहा है मिरर के फ्रंट में लगा लो। समझ में आ गई बात, बी की वैल्यू -54। आगे एम बराबर होता है एच आई अपॉन एच ओ बराबर -v/u, एच आई की वैल्यू मालूम नहीं, एच ओ की वैल्यू 7 माइनस बी की वैल्यू -54 और यू की वैल्यू कितना था माइनस का 27, यू तो नेगेटिव लेते, एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, फिर भी ये वाला नेगेटिव बचेगा तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 3 27, 9 6 54, 27 का डबल ही तो था, 3 1 3 3 2 6, ठीक है। एच आई की वैल्यू हो गई 7 2 -14 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज उससे जस्ट डबल बन रही है, जस्ट डबल, एच आई इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। माइनस साइन इंडिकेट द इमेज इज इन्वर्टेड, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, और 14 उसका साइज बता रहा है जस्ट डबल। अगर मैं पूछूं अभी ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ था 27 पे, इसको हटा देता हूं, इतनी बात नोट कर लीजिएगा कैसे हुआ न्यूमेरिकल। अब देखो इसमें एक मजे की बात बता रहा हूं, कौन से केस, ये 6 केस में से एक ही केस होगा, याद रखना अगर पूछे कि इसका रे डायग्राम कौन सा होगा,
तो बताऊं ये कौन सा केस है, ये कॉनकेव मिरर सही नहीं बन पा रहा है, ऐसे मान लो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस। बताओ भाई फोकस कितना है इसका, 18। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, यहाँ मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 18 का डबल, है ना, कितना होता है 36। कहाँ पे रखा गया, 27 पे, यानी कि बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड सी। कैसी बनती है, साइज में इनलार्ज बनती है कि नहीं बनती है, इसलिए ये वाला केस है। तो उन जो भी आंसर आएगा वो उन छह में से एक केस का ही होगा, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। तो ये थे बच्चों आपके न्यूमेरिकल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं समझता हूँ आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी यहाँ से। अगर कोई प्रॉब्लम उसके बाद भी आती है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।